लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जिला पठानकोट में बनाया गया मल्टीपर्पज खेल मैदान सरकारों की अनदेखी के चलते अपनी खस्ता हालात पर आंसू बहा रहा है। इस खेल मैदान का शिलान्यास और शहर को लमीनी कॉलेज देने वाले भाजपा के विधायक अश्विनी शर्मा हो या चाहे आम आदमी पार्टी के विभूति शर्मा ही क्यों ना हो, राजनेताओं को ना तो युवाओं की भावनाओं का कोई ख्याल है और ना ही बढ़िया खेल मैदान शिक्षा और सुविधाओं की तरफ मौजूदा पंजाब सरकार का कोई फिक्र है। देखिए लमीनी स्टेडियम से टुडे हेडलाइंस की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे हेडलाइंस, मैं हूं मुस्कान और आज इस वक्त हम खड़े हैं पठानकोट के एकमात्र स्टेडियम लमीनी में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और 26 जनवरी को लेकर जो है पठानकोट के स्टेडियम में बहुत सारे खेलों का आयोजन करवाया जाता है। और इस वक्त स्टेडियम की हालत जो है वो हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि स्टेडियम की हालत कुछ अलग ही बयान कर रही है और अलग सा ही कुछ रूप जो है वो स्टेडियम का देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते आइए आज हम बात करके देखेंगे अपने संवाददाता रंजना सैनी के साथ। जी रंजना जी। जी मैम, ये जो आपको पता है कि 26 जनवरी जो है वो आने वाली है और उसको लेके जो स्टेडियम की हालत है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल मुस्कान जी, जो 26 जनवरी है वो तो आने वाली है पर जो स्टेडियम के हालात हैं, जब से स्टेडियम बना है तब से स्टेडियम वैसा का वैसा ही है। और स्टेडियम की अगर बात करें तो स्टेडियम में बिल्कुल भी सुधार नहीं किया गया और ऊपर से खंडर बनता जा रहा है ये स्टेडियम। जी जी, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये क्या ये बात सच है कि जब से स्टेडियम जो बना है आज तक इसकी कोई मरम्मत या कोई भी कार्य जो है यहाँ पे नहीं करवाया गया? जी बिल्कुल मुस्कान जी, ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो VIP यहाँ पर आते हैं। जैसे अब 26 जनवरी आने वाली है तो कुलदीप धालीवाल जो हमारे खेती बाड़ी मंत्री हैं पंजाब के, वो भी यहाँ पर आएंगे। परंतु यहाँ पे अगर काम की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं करवाया जाता, क्योंकि देखिए आप हालात तो खुद भी देख सकते हैं आप पीछे की। और इस बात का जवाब आप दीजिए मुझे कि जब सरकारें कहती है, एक तरफ बात करती है वो खेड़ा वतन पंजाब की और दूसरी तरफ कहती है कि बच्चों को जो है हम लोग नौजवान पीढ़ी है जो हमारी उसको हम खेलों की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं और नशों से दूर रहने की सलाह देती है, पर बच्चा नशे से दूर कैसे रहे? अगर उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो नशे से कैसे दूर रहेगा? इस बात का जवाब आप दीजिए। जी जी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं उस बात से हम आपके साथ सहयोग देंगे और इस बात पे हम बिल्कुल जो है वो मानते हैं। पर परंतु बात ये है कि जब वो आप जैसे कह रहे हैं कि कुलदीप धालीवाल यहाँ पर आने वाले हैं, आपको लगता है कि उनको आने जब जैसे कि वो आएंगे तो उनको लेकर जो है कुछ प्रबंध जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ पर आता है 26 जनवरी के दिन, यहाँ पर DC पठानकोट, SSP पठानकोट या कोई भी मंत्री यहाँ पर आता है तब यहाँ पर तैयारियाँ की जाती हैं। उसके लिए यहाँ पर मैट बिछा दिए जाते हैं, ये चीज़ें छुपाने के लिए, जो उनकी नाकामयाबी है उसको छुपाने के लिए यहाँ पर जो है वो प्रबंध किए जाते हैं। पर अगर बात करें तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहती है यहाँ की, वो आप भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि 26 जनवरी के लिए प्रोग्राम जो किया जाएगा उसके लिए स्टेडियम जो है वो बिल्कुल सही हालत में है? जी बिल्कुल नहीं मैम, मेरे को जो मुस्कान जी, ये स्टेडियम जो है वो देखने को लिए जब आप बाहर से आते हैं तो देख सकते हो इस स्टेडियम को कि इसके जो हालात हैं, जो बिल्डिंग बनाई गई है ये स्टेडियम के लिए वो सिर्फ बिल्डिंग बनाई है और ऊपर से ये जो बाहरी चार दीवारी का काम भी अभी तक नहीं किया गया। जैसा बना है वैसा का वैसा ही है 2014 से लेकर अब 2023 आ गया पर अभी तक इसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया। कि सरकार जो है वो पंजाब के युवकों को नशे से दूर रहने के लिए हमेशा कहती है कि युवकों को नशे से दूर रखा जाए और उसके लिए उनका कहना है कि खेलों का सहारा ज़रूर लेना चाहिए जिससे युवक जो है वो नशे से दूर रहेंगे। तो जी आपको लगता है कि यहाँ खेलों के लिए जो है सरकार एक तरफ कहती है और नशे के लिए कह रही है कि युवकों को दूर रखें, पर आपको लग रहा है कि इस हालातों की वजह से जैसे सरकार कुछ कर ही नहीं रही है तो युवक नशे से दूर रह पाएंगे? जी बिल्कुल मैम, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर जो हालात इस स्टेडियम के, बाकी जो जगह है बाकी जिलों का तो मुझे पता नहीं, पर पठानकोट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात उन 86 लोगों के लिए है जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ के जो हमारे MLA हैं उनकी बात करते हैं, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं पर यहाँ पे जो हकीकत है वो कुछ और ही बयान करती है। जैसा कि इन वक्त आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, स्टेडियम की हालत जो है वो बहुत खस्ता है। रंजना जी, पहले जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे MLA अश्विनी शर्मा जी उस समय जो थे वो सत्ता में थे जब ये स्टेडियम बनाया गया था और उसके बाद बहुत सरकारें हमने देखा, जैसे कि अमित विज भी आए हैं और अब फिर से एक बार जो है अश्विनी शर्मा इस सत्ता में आ गए हैं, उनके द्वारा आपका लगता है कि कोई भी पुख्ता कदम या फिर कह लो ठोस कदम उनके द्वारा इस स्टेडियम को लेकर जो हैं उठाए गए हैं? जी बिल्कुल मुस्कान जी, जब ये स्टेडियम बनाया गया था तो अश्विनी शर्मा ही विधायक थे और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो स्टेडियम है
पठानकोट जिले का इकलौता स्टेडियम है ये, बाकी जिलों की तो हमें पता नहीं पर ये पठानकोट का इकलौता स्टेडियम है और राजनीतिक जो करिंदे हैं उनके लिए बड़ी ही ज़्यादा शर्मनाक बात है ये कि ये स्टेडियम के हालात आज इस हालात में है कि यहाँ पर खेलने की बजाय लोग जो हैं वो नशा करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि जब अश्विनी शर्मा विधायक थे तो उनके देखरेख में ये स्टेडियम बना था और इस स्टेडियम को लेकर वे बड़े बड़ी बातें करते थे, परंतु अब फिर से जो उसके बाद सरकारें बदली गई और अमित बीज जब हैं वो विधायक बने, परंतु उनकी ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और अब फिर से अश्विनी शर्मा बने हैं परंतु उनकी ओर से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा इसकी ओर। मैं तो कहूँगी कि जो सियासी लोग हैं वो अपनी रोटियाँ सेकने के लिए लगे हुए हैं, इस इमारत के आड़ में अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं वो। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से जो है मैं वो बिल्कुल सहयोग दूंगी आपको। और उसके साथ जो है ये आपको पता है कि अश्विनी शर्मा जी तो हैं ही हैं, उनके साथ पंजाब सरकार जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उन्होंने भी इस ओर जो है वो कोई और ध्यान जो है नहीं दिया गया, उनकी ओर से भी बड़े बड़े दावे जो हैं सत्ता में आने से पहले किए गए जो हम सब ने देखे भी हैं और उसका जो है बहुत प्रचार उनके द्वारा किया गया था कि उनके द्वारा बहुत सारे कदम जो हैं लोगों के लिए उठाए जाएंगे जिसमें से खेल कूद और नशा जो है युवकों को उनकी नशे से दूर रखने के लिए जो उनकी बड़ी बड़ी बातें थी वो हमें देखने को मिली। क्या आपको लग रहा है उनके द्वारा भी जो है कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, हम अगर बात आम आदमी पार्टी की करें, इस समय सत्ता में राज्य में वही आम आदमी पार्टी है और जैसा कि सभी जानते हैं जो मंत्री हैं वो हमारे इधर हल्का पठानकोट के जिले हल्का भुआ से ही हैं, परंतु इस चीज़ की ओर ध्यान जो है वो आम आदमी पार्टी भी नहीं दे रही। उस समय उन्होंने बड़े बड़े दावे तो किए थे कि अब नशा दूर करेंगे पंजाब से, नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, सोने की चिड़ी पंजाब का उन्होंने नाम दिया था कि वैसा पंजाब हम लोग बनाएंगे। और एक तरफ वो कहती है कि हम बच्चों को, नौजवान को, आज की पीढ़ी को जो है वो खेलों से जोड़ेंगे ताकि वो नशे से दूर रहें, परंतु इस स्टेडियम के हालात को देख के, पठानकोट के स्टेडियम जो है उसको हालात को देखें, हम तो लगता नहीं है कि लोग जो हैं वो नशे से दूर रहेंगे। इस स्टेडियम के साथ ही, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेडियम के साथ ही एक ठेका खोल दिया गया और जिसके कारण लोग उधर ही ज़्यादा जाएंगे, ये स्टेडियम की जो खस्ता हालत है इसकी ओर ध्यान देना चाहिए सरकारों को। बिल्कुल, और इसी के साथ हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये जो हालत है स्टेडियम की वो आप लोगों को एक बार ज़रा ज़रूर दिखाई जाए कि जो वास्तविक हालत है स्टेडियम की वो कैसी है। जी बिल्कुल मुस्कान जी, यहाँ पर जो परेशानियाँ वो तो होती होंगी, आप भी देख सकते हो कि पशु इस समय भी यहाँ पर घूमते नज़र आते हैं, क्योंकि ये जो पशु है ये जब अंदर आ जाते हैं तो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं या जहाँ पर कोई भी अपनी गेम खेलते हैं तो उसमें लोगों उनको बच्चों को परेशानी आती होगी यहाँ पर। और ऊपर से अगर बात हम करें इसी के साथ साथ अगर नौजवान जो खेलने के लिए आते हैं उनमें से कुछ नौजवान ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर नशे के लिए भी आते होंगे, क्योंकि ये स्टेडियम मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है तो यहाँ पर स्टेडियम की हालत तो सुधरनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर ना ही कोई कोच की सुविधा है और सरकारी कोच नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जो तो सरमाया वाले घर से होंगे, बड़े घर से होंगे, वो तो अपने बच्चों के लिए जो है वो पर्सनल कोच कर लेंगे, परंतु जो गवर्नमेंट कोच है वो भी यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये स्टेडियम है, यहाँ पे गवर्नमेंट कोच होगा तभी तो बच्चे खेलना सीख पाएंगे यहाँ पे। पर अगर कोच ही नहीं होगा तो बच्चे, हमारा भविष्य तो खतरे में है ना। आपको क्या लगता है कि हमारे नौजवान जो है वो सही दिशा में जा रहे हैं इसी के चलते, आप इस बात का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा उस बात का बिल्कुल, ये बात जो है वो बिल्कुल सच कही है कि यहाँ पठानकोट में जो है वो सरकारी कोच जो है वो नहीं दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है कि ये बात बहुत अहम बात है? जी बिल्कुल, ये बात जो है बहुत अहम बात है और ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके लिए शर्मनाक बात भी है कि पठानकोट का एकमात्र स्टेडियम है उसमें गवर्नमेंट कोच भी नहीं है। और ऊपर से अगर बात करें तो स्टेडियम के साथ ही जो है वो एक ठेका खोल दिया गया अब, जहाँ पे नशे शराब भी बिकती है और अगर बच्चे यहाँ पर खेलने भी आएंगे तो वो उनका ध्यान जो है वो बाहर सबसे पहले उस ठेके के ऊपर ही जाएगा। अगर बाहर सामने ठेका होगा तो बच्चे, सीधी सी बात है, जाहिर बात है कि बच्चे पहले उधर ध्यान देंगे, खेलने के लिए तो बाद में ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे तो सुविधा ही नहीं है कोई खेलने के लिए। तो इसके ऊपर तो सरकारों को भी चाहिए कि यहाँ पे आके इन बातों की ओर ध्यान दिया जाए। और जैसे अभी कुलदीप धालीवाल जी भी आ रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि जहाँ पे वो आए हैं क्या वो जगह तिरंगा लहराने के लायक है? एक तिरंगा जो है वो हमारे लिए, हमारा झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा वो, और वो इस जगह पर लहराने के लायक है, ये बात का जवाब आप दीजिए मुझे। और इसी के साथ जैसे आपने देखा कि हमने रंजना जी से बात की है और उनकी बातों से बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आई है, जैसे कि सरकार ने बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम तो बना दिया है परंतु उसमें जो है सुविधाएं जो है बच्चों को नहीं दी जा रही है।
और इसी के साथ अगली बार फिर से लौटेंगे आपके लिए एक नई खबर लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए टुडे हेडलाइंस।